हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। और आज का व्लॉग व्लॉग जो है वो 2-3 दिन का व्लॉग है, और इसमें मैं बर्थडे प्रेपरेशन की भी अपडेट थोड़ी सी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है, सब बच्चों को मैंने अलग अलग फ्रूट्स दे दिए थे, खुद मैं जामुन खाने वाली थी। अभी मैंगोज़ भी बहुत सारे घर पर आए हुए हैं, तो वो भी था, बट जामुन मैं लेकर के आई थी स्पेशली अपने लिए, क्योंकि मुझे जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही अच्छे मिल रहे थे, एकदम बड़े बड़े। तो मैं खा रही थी, यश मुझे देख रहा था, तो मैंने सोचा उसको भी ट्राई कर रहा हूँ। तो उसने खा लिया, मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही नहीं खाएगा। छिलका उसका निकाल के उसने फेंक दिया, जैसे वो मुंह में पल्प जब उसका ख़त्म हो जाता तो छिलका निकाल के वो बाहर फेंक दे रहा था, लेकिन उसने अच्छे से इंजॉय किया तो मुझे अच्छा लगा। तो आप बताओ, अभी तक आपने कौन कौन से फ्रूट्स अपने बेबीज़ को इंट्रोड्यूस किए हैं? अभी मैंने समर में तो वाटरमेलन, मस्कमेलन, जामुन जैसे आज करा दिया, अमरूद खा रहा है, मैंगोज़ खा रहा है, बनाना, एप्पल तो खैर खाता ही है, तो ये सारे फ्रूट्स अभी फ़िलहाल मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। और समाओ ये थोड़ा बहुत खा लेता है, एकदम ऐसे इसने रिजेक्ट नहीं किया है। तो अभी मैंने ग्रॉसरी सारी जगह पर रखी है, तो पहले मैं सोचता था सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, इस बार बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेकर आई थी मैं, बट फिर ना टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो रख दिया मैंने, सब सामान फैला हुआ था। तो ये नमक है, इसको अभी डब्बे में भरूंगी। एक दो चीज़ें जो यहाँ पर पड़ी हैं वो दिखा देती हूँ। एक ये मैं लेकर के आई थी, ये क्या है, सनब्लॉक सनस्क्रीन, मतलब न्यूट्रोजेनिक, अच्छा है मैंने काफ़ी सुना है, तो ये फिर मैंने ले लिया था 50 SPF का, क्योंकि गर्मी भी बहुत आ रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि सनस्क्रीन लगाने की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ फिर से। एंड देन मैंने जो मेन जो चीज़ दिखाने वाली थी वो है ये ग्लास, संजीव कपूर कलेक्शन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है खरीदते हुए। और मुझे एक्चुअली, मेरे पास ना ऐसे लंबे ग्लास नहीं थे तो मुझे लेने थे काफ़ी टाइम से, तो मैं सोचा ले लेती हूँ। तो ये है, ये कुछ इस डिज़ाइन का है, ऐसा अच्छा लग रहा था मुझे, काफ़ी हैवी भी है और लंबा है ना, तो पानी वानी देने के हिसाब से या कुछ, अभी जैसे समर्स आ गए तो जूस वगैरह देना है कुछ भी, तो इसमें आराम से दे सकते हैं। तो ये मैं लेकर के आई थी, आप बताना कैसा लग रहा है ये। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रॉकरी खरीदना, हालांकि बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे पसंद बहुत है, क्योंकि रखना मेंटेन करना थोड़ा सा भी टीडियस हो जा रहा है बच्चों के साथ में, तो उतना ही चीज़ लाती हूँ जितना कि यूज़ कर सकूँ। एक ये है और एक और चीज़ अभी दिखाती हूँ मैं आपको, रुकिए। तो एक मैंने ये अभी निकाला है, ये मेरे पास पहले से था, ये ऐसा है, इसको नीचे उतार के दिखाती हूँ, ये वाला है, ये ऐसा है, तो मैंने सोचा निकाल लेती हूँ, यार कब से तो रखा हुआ है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि यश अब चलने लगा है, तो उसकी फर्स्ट वॉक को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने ये पार्टी फूड बनाया था। इसमें बनाया था मैंने दाल मखनी और फ्रेश मैंगो जो हमने खुद घर पे पकाए हैं, बहुत मीठे और बहुत टेस्टी। साथ में मैंने पनीर की भी एक वेज सब्जी बनाई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी मैंने। और साथ में रोटी भी जो है ना, वो भी मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाया था, व्लॉग तो नहीं बनाया बट खाना बहुत टेस्टी बना था। एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल, और मैं हूँ निधि, और हम लोग आज जा रहे हैं यश की बर्थडे शॉपिंग करने के लिए, उसको कपड़े दिलाना है, हम सबको कपड़े लेना है बेसिकली, और कुछ रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह देखेंगे, ये सब प्लान है। और मैंने ये आज नया वाला ये लगाया है, बताना मुझे कैसा लग रहा है। मैं अभी लेकर के आई थी, ये वाला शॉपिंग हॉल भी मैं जल्दी शेयर करूंगी, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई थी, बहुत ही प्रिटी प्रिटी सी थी, मैंने कम्युनिटी पर डाला भी था बट शेयर नहीं कर पाई, बाद में करूंगी, टाइम नहीं है क्योंकि अभी तो अभी प्रेपरेशन चल रही हैं और हम लोग अब जा रहे हैं। तो चलो, अब कुछ सामान मैंने निकाल रखा है जो मुझे बैग में पैक करना है, और उसके बाद हम लोग अब निकलेंगे और पूरे दिन आज शॉपिंग ही होगी, तो चलो बाय। तो ये सामान कुछ मैं पैक करूंगी, हमारे पानी की बोतल, यश आरव के पानी की बोतल, और यश का दूध, यश की पानी की बोतल, उसका डायपर, मतलब एसेंशियल्स इसमें रखा मैंने, ये कुछ मैंने बिस्किट्स रख लिए इनके इस बच्चे को ज़रूरत हो, और एक हैंड टावल, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ यशु मेरे तैयार हो गया है जाने के लिए। यशु, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आओ आओ, चलो बाय टाटा। किससे मिलना है तुमको? इधर देखो, किससे मिलना है? बॉस से मिलने आ जाएंगी वीडियो देखकर। तो बोलो, आई यू व्यू में तुमसे मिलना चाहता है, तो बोलो। हाँ, 6 hours later। पैदा हुआ था है ना, तब
समर थी ना, इसी टाइम पे तो हुआ था। क्या चाहिए? नहीं आज नहीं, मैं बोल रहा हूँ जिस दिन ये आए हुआ था ना। क्या चाहिए यशु? यशु का मुंह देखो, मुंह चल रहा है इसका। क्या चाहिए? क्या? तो यहाँ पर यश जो है ना, वो मैंगोस को बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन मैंगो के चक्कर में उसने चलना शुरू कर दिया था, उसको मैंगो लेना था, उस चक्कर में वो चलने लग गया था। तो अभी भी उसको मैंगो, और अच्छा मैंगो उसको पता रहता है, आप किसी भी फॉर्म में मैंगो रख दो ना, वो समझ जाता है कि ये मैंगो ही है, और वो फिर इस तरीके से पीछे पीछे जाता है खाने के लिए। तो ये बहुत फ़नी था, इसलिए मैंने यहाँ पर शूट किया, आप देख ही सकते हो। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा ना कि आरव रो रहा था IUPU से मिलने के लिए, एक्चुअली IUPU एक यूट्यूब चैनल पे एक बच्चों का मतलब चैनल है। तो हम लोग ना बाहर डोमिनोज में पिज़्ज़ा वगैरह खा रहे थे, तो वहाँ पर एक लड़की दिखी जो कि उस पीयू जैसी या आयू जैसी कुछ थी। तो ये बोलने लगा कि ये IUPU है। तो फिर हम लोगों ने उससे मिलवाया, बात भी करवाई, बट फिर इसे पता चला कि ये IUPU नहीं है। फिर बोलने लगा कि अब ये नहीं है तो क्या हुआ, मुझे IUPU से मिलवा दो। तो ये रोने करने लग गया और उसके बाद काफ़ी देर तक इसका रोना धोना चला कि मुझे IUPU से मिलना है। फिर मुझे समझ में आया कि ये जो डाई हार्ट फैन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं। पहले मैं सोचती थी कि कोई इतना ज़्यादा क्रेजी कैसे हो सकता है, बट आज मैंने आरव को जब ऐसे रोते हुए देखा था तो मुझे समझ में आया कि ऐसे क्रेजी फैंस होते हैं रियलिटी में। तो यहाँ पर दूसरे का दूसरा दिन हो चुका है, दोनों भाई ऐसे चिपट करके सो रहे हैं, इन्हें पता नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। सडनली आरव ने देखा कि अरे वीडियो बन रहा है, तो वो हंसने लगा। और अब आरव जो यश जो है ना, वो अलसाता है, सुबह उठ के थोड़ा सा आलस करता है, ऐसे पलट पलट के सोता है। पहले क्या करता था, उठता था, उठते से ही तुरंत क्रॉल करके भागने लग जाता था सीधे। लेकिन अब उठता है ना तो थोड़ी देर आलस करता है, थोड़ा इधर घूम के उधर घूम के सोएगा, फिर उसको उठाने में 15 मिनट ऐसे लग जाते हैं। तो ये बड़ा क्यूट मोमेंट था, मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। क्या हो रहा है यशु? आप चेयर पे बैठे हो, भैया की चेयर पे बैठे हो, मजा आ रहा है भैया को? पकड़ के बैठा हुआ है क्योंकि इसको डर लग रहा है। बाय बाय। तो अब मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे 4 बजे इवनिंग में। ये बहुत सारा मैंगो पल्प आप देख रहे हो ना पूरा, ये मतलब कितने होंगे, 20-25 आम जितने तो होंगे मुझे लगता है। तो ये मेरे हस्बैंड ने ना कल रात में सारे जो मैंगोज उन्होंने पकाए थे ना, गर्मी इतनी है कि फटाफट मैंगो सारे पक गए हैं। तो उन्होंने बहुत ही इन मैंगोज को क्या, अगर आपने ढंग से हैंडल नहीं किया ना तो ये सड़ जाते हैं और फिर बहुत सारे वेस्टेज हो जाता है। बट मेरे हस्बैंड जो है ना, वो काफ़ी एक्सपर्ट हो गए आम पकाने में। तो हमारा टचवुड आम जो है ना, अभी तक एक भी वेस्ट नहीं हुआ, सारे आम प्रॉपरली पक के हम लोगों ने खाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो उन्होंने सारे आम जो पक गए थे ना, तो उन्होंने बोला मैं सारे पल्प निकाल देता हूँ एक भगोना जितना भी। अभी और भी बहुत सारे आम रखे हुए, तो उन्होंने सारा पल्प रात में निकाल करके रख दिया था। तो सुबह बस मैंने ब्लेंडर चला करके आम रस तैयार कर लिया है, और मैं इसको ना एयरटाइट कंटेनर में दो जगह जगह पर मैंने इस तरीके से स्टोर कर लिया था, ताकि एक खा करके मतलब ऐसे दो डब्बों में रहेगा ना तो ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो इसलिए मैंने दो जगह स्टोर कर लिया था। उसके बाद भी थोड़ा सा ये बच रहा था, और आरव को मैंगो शेक भी पसंद था, शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पर सबके लिए थोड़ा सा मैंगो शेक बना देते हैं। तो वही आम का जो पल्प था उसको पहले अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, उसमें थोड़ी सी 1-2 चम्मच मैंने चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि दूध डाल रहे थे तो बच्चों को थोड़ा सा फीका फ्लेवर उतना पसंद नहीं आता है। तो मैंने खूब सारा इसमें दूध डाल के और ब्लेंडर चला दिया। इस ब्लेंडर की सबसे अच्छी चीज़ यही है कि जो बड़ा सा बर्तन आप यूज़ कर रहे हो उसी में चला दो, अलग से मिक्सर निकालने की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती है। तो आम रस हुआ या इस टाइप का ज्यादा क्वांटिटी में मुझे शेक वगैरह बनाना होता है ना, तो मैं ब्लेंडर से बनाती हूँ, क्योंकि एक बड़े से भगोने में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। जार में कई बार 3-4 लोगों के लिए नहीं चीज़ें बन पाती हैं, फैलने का भी डर रहता है, तो ये ब्लेंडर काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। ये मेरा काफ़ी पुराना हो गया, मतलब 5 साल पुराना, 6 साल पुराना ऐसा कुछ हो गया है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी थिक सा बन गया था, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैंगो पल्प डाल दिया था। और आज मैं मैंगो शेक जो है वो आरव को तो मैं दे ही रही हूँ, बट यश को भी फर्स्ट टाइम टेस्ट कराने वाली हूँ। अभी तक मैंने उसे मैंगो का जूस मतलब आमरस तो टेस्ट कराया, उसे पसंद है, जैसा कि मैंने बताया मैंगो का वो दीवाना, एकदम फैन है वो। तो यहाँ पर मैंगो जूस जैसे ही उसने देखा, बस वो तो एकदम कि मुझे दो एकदम रेडी हो गया था, और उसको काफ़ी पसंद भी आया। टेस्टी टेस्टी अभी क्या, वो टेस्टी टेस्टी एक्ट करने लगा है हाथ से।
तो जैसे उसे कोई चीज़ पसंद आती है ना तो वो टेस्टी टेस्टी हाथ से बनाने लगता है कि मतलब मुझे टेस्टी लग रहा है और खिलाओ। तो ये बहुत क्यूट सी उसकी एक्टिविटी है। और उसके बाद यहाँ पर आरव जो है ये इस बात पे खुश था कि इसके मैंगो शेक में मैंने थोड़ा सा मैंगो का टुकड़ा भी डाल दिया है, तो वो यहाँ पर वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। छोटी छोटी खुशियाँ कितनी सारी है दोनों बच्चों के पास में। और ये 24 मंत्रा ऑर्गेनिक का होल व्हीट फ्लार है, मतलब आटा है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैं आटा से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, नए नए आटा एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट ये वाला आटा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे मैंने चक्की का भी आटा मंगवाया था, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो यहाँ पर चक्की है वहीं से लेकर के आ गए थे, बट ये वाला भी काफ़ी अच्छा है। इसका आटे का क्वालिटी अभी तक सबसे अच्छा रहा है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, थोड़ा इसमें बोलते हैं ना जो थोड़ा मोटा मोटा सा आटा है, जैसा आटा होता है एक्चुअली में वैसा है। उसकी रोटियां भी अच्छी बन रही थी, मुझे बहुत पसंद भी आया है ये। तो ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। और ये मैक्रोनी मैंने बनाई है, पास्ता मतलब, ये कौन सा शेल पास्ता मैं लेकर के आई थी। और पास्ता जो है ना मतलब मुझे बहुत सारे शेप के आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा डिफरेंट, पहले अभी तक मैं मैक्रोनी वाला ही लेकर के आती थी, बट ये वाला मैं लेकर के आई थी शेल पास्ता, सोचा था अच्छा लगेगा, बट मैंने नोटिस किया कि मुझे और जो मैक्रोनी है ना वो बहुत सॉफ्ट बन जाती है, खाने में अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने जितने भी दो तीन शेप के ट्राई किए हैं मुझे वो खाने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो ना थोड़े हार्ड हार्ड से रहते हैं, चाहे आप उन्हें कितना भी पका लो वो हार्ड हार्ड से ही रहते हैं, एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से मैं वही जो मैक्रोनी का पाइप जैसा आता है ना, उसका शेप का नाम मुझे नहीं मालूम है, तो वो वाला पास्ता ही अब से मैं लाया करूँ, मैक्रोनी ही लाया करूँगी, क्योंकि मुझे पर्टिकुलरली उसी का टेस्ट पसंद है। और बच्चों के लिए वो बहुत सही भी रहता है क्योंकि एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो यश भी वो वाला जो पास्ता है वो खा लेता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ा डिफरेंट तरीके से फटाफट मैंने बना लिया था ये। और इसमें जो मेरी वो सब्जी दिखाई थी ना मैंने, पनीर कैप्सिकम टमाटर वाली, वो थोड़ी सी बची थी, तो मैंने कहा चलो ये भी इसमें डाल के थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बना बहुत अच्छा था, बट मुझे ये जो शेल पास्ता है ना ये पसंद नहीं आ रहा था। अगर ये सॉफ्ट वाला मैक्रोनी रहना तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से बनाऊंगी इसको। और इसमें जो सब्जी मैंने डाल दी थी उसका ट्विस्ट भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसमें ज़्यादा कुछ मैं करती नहीं हूँ, बहुत ही सिंपल, कोई मैं वाइट सॉस या टमेटो वाला सॉस या रेड सॉस ऐसा कुछ नहीं बनाती हूँ, सिंपल एकदम। इसको बटर और चिली फ्लेक्स, गार्लिक और अदरक और ब्लैक पेपर ये सब डाल करके टॉस कर देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने अपने लिए डिनर में ये बनाया था, इसके साथ में आम रस था, और दिन में मैंने दाल चावल बनाए थे जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट में बच गए थे, तो दोनों बच्चों के लिए डिनर में वो हो गया था। थोड़ा सा ये भी मैंने आरव को सर्व कर दिया था, बट दाल चावल खा लेने से ये है कि उनका अच्छे से पेट भर गया था। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज है ट्यूसडे, और अभी जो आपने व्लॉग्स देखे वो अलग अलग दो तीन दिनों के हैं, दो तीन दिनों के नहीं, एक दिन का पूरा रूटीन है। और एक मैं जब मार्केट गई थी तब मैंने बनाया था, सैटरडे का व्लॉग था वो, सैटरडे को मतलब थोड़ा शूट किया था, सोचा था कि मैं पूरा व्लॉग ही शूट करूंगी शॉपिंग एंड ऑल, बट दो बच्चों के साथ में इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर, इतनी गर्मी हो रही है कि मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती, एसी वेसी सब फेल है यहाँ पर, तो बहुत गर्मी है। बाहर हम लोग चले तो गए थे, बहुत सारी चीजें सोचा था कि कर लेंगे बट हो नहीं पाई थी, और दोनों ही बच्चे, इवन हम लोग इतने ज्यादा इरिटेटेड फील कर रहे थे, तो बच्चे तो क्या ही बोलूं, इतनी गर्मी लग रही थी। तो फिर उस दिन हम लोग रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह का सारा काम करके आ गए थे, हमारी क्लोथ मतलब इनके कपड़े वगैरह तो ऑलमोस्ट मतलब ऑर्डर कर दिए, बट फिर भी आज सोचा है कि आज फिर जाएंगे और कुछ और भी देख करके आएंगे, अगर कुछ और समझ में आ जाता है तो। बाकी हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें प्रिपेयर कर ली है, तो बेसिकली रिटर्न गिफ्ट्स आ चुके हैं। रिटर्न गिफ्ट्स में हम लोगों ने पूरा एक ऐसा बनाया है, गिफ्ट हैम्पर जैसा बनाया है। क्या बेटा, क्या क्या हो गया, ये चाहिए, ये लो। तो हम लोगों ने गिफ्ट हैम्पर जैसा बनाने का सोचा है, तो गिफ्टिंग बैग्स वगैरह मैंने अमेज़न से ऑर्डर कर दिए, तो वो भी आ जाएंगे। क्या हो गया बाबू, क्या चाहिए, ये चाहिए, ये चलो मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये देखिए कितनी गर्मी हो रही है, क्योंकि मुझे तो फैन के नीचे तो मैं बात कर नहीं सकती हूँ, और ये लड़का मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आ रहा है अभी क्लास लेने गया है अपनी, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा कर लूंगी, बट ये ना तो सो रहा है हाँ, और बदमाशी करने में लगा हुआ। तो मैं ना अभी आपको चलो दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या चीजें लेकर के आई हूँ, और फिर बाद में बात करेंगे। बाय कर दो, और जय जय भी करता है यशु, जय जय कर दो, जय जय। मैं नहीं कर रहा, जय जय बाय करूंगा मैं, तुम लोग जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे बदमाशी करने दो।
अच्छा लीज का पूरा एक डब्बा लेकर के आए हैं बच्चों के लिए, और इसके अंदर भी कुछ कुछ काफ़ी सारा सामान है, कुछ कुछ नहीं काफ़ी सारा, आप देख सकते हैं पैकेट बहुत बड़ा सा है। तो इसके अंदर सारे वो जो मैंने बताया ना कि हैम्पर बनाने का प्लान किया है हमने, तो उसमें कुछ कुछ आइटम जाएंगे, तो हम सारे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेकर के आ गए हैं। इसे छोड़ो, तो ये एक बॉक्स है, ऐसे ही एक और दो बॉक्स हैं जिसके अंदर रिटर्न गिफ्ट एक्चुअल जो है ना वो है, तो वो अभी इसके अंदर सारे हम लोग लेकर के आ गए हैं, काफ़ी सारे क्योंकि ऑर्डर किए थे। तो दो ऐसे मतलब एक ये है और एक अभी नीचे है, वन बाय वन करके हम लोग सारा सामान लेकर के आ रहे हैं। तो ये सारी तैयारियां हैं मतलब। ओके, तो मैंने दिखा दी प्रेपरेशन, हमारी ऑलमोस्ट 80% डन हो चुकी है, मतलब वेन्यू हो चुका है, मेन्यू हमने जो भी खाना वगैरह करेंगे उसका सब मेन्यू डिसाइड कर लिया है, डेकोरेशन पूरी सब बुकिंग हो चुकी है, फोटोग्राफी के लिए भी आज मैं पेमेंट करके बुक कर दूंगी, मतलब बातचीत हो चुकी है, तो आज अमाउंट क्या बोलते हैं एडवांस अमाउंट जो है वो दे दूंगी, तो वो भी बुक हो जाएगा। केक हम कल बुक करके आ गए हैं, उसका डिज़ाइन मैं आज फाइनल करके, आज नहीं तो कल, उनको उन्होंने बोला था आप व्हाट्सएप पे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करके भेज देना, तो जो भी आपको होगा डिज़ाइन चाहिए होगा वो सब हो जाएगा, तो वहाँ पर बुकिंग हमारी हो चुकी है। एंड और क्या, गेस्ट लिस्ट फाइनल हो चुकी है, एक बार हम इनिशियल इन्वाइट तो सबको दे ही चुके हैं, बट जो इवेंट का डेट है ना उसे एक दो दिन पहले इनवाइट, एक रिमाइंडर इनवाइट हो जाएगा, तो क्या होता है कि लोगों के भूलने के चांसेस कम रहते हैं, तो वो हम थर्सडे फ्राइडे में मैं कर दूंगी प्रॉपर एक कार्ड वगैरह बना करके और वैसे कर लूंगी। और तो बस रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह सब आ गए, तो अब इनकी थोड़ी पैकिंग बाकी है, तो वो हम बाद में ही करेंगे, मतलब वो हैम्पर बैग्स जो है ना वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए हैं, तो वो बैग आ जाएगा, तो उसके अंदर सारी चीज़ें असेंबल करनी है, बट प्लस जो हम रिटर्न गिफ्ट्स लाए ना वो भी प्रॉपरली जैसा हम चाहते हैं वैसा पैक नहीं है, तो उसके पैकिंग के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें मंगाई है हमने, तो जब हो जाएगा तो सारी चीज़ें फिर मैं आपको बता दूंगी, और अगर आप भी इस तरीके से कुछ प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हो, आइडियाज़ आपको मिलेंगे, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। हमारे कपड़े भी थोड़े फाइनल हो चुके हैं, बट आज एक चक्कर और मार के आ जाएंगे दुकान, मतलब जो यहाँ पर शोरूम्स वगैरह वहाँ पर, कि कुछ अलग सा मिल जाए, कुछ मैंने थोड़ा सोचा है कि थोड़े कैजुअल कपड़े कुछ मिल जाए मुझे, वैसे वैसे तो है मेरे पास, लेकिन एक होता है ना इवेंट है, अगर कुछ फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिलेगा तो मेरे पास सारे बैकअप्स हैं पूरे। तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, बट इतनी नर्वसनेस भी हो रही है, एक्साइटमेंट भी हो रही है, सब चीज़ें हैं, और मैं पार्लर में तैयार वगैरह नहीं होने वाली हूँ, सिंपल ही रहने वाली हूँ, क्योंकि एक तो टाइम मुझे वेस्ट नहीं करना है, दूसरा मेरे को पसंद नहीं आता बहुत ज़्यादा मेकअप, आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो ये सब है। और आप लोगों के एक मिनट, एक ये ले लो, ये ले लो, ये चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे वीडियोस बना ले रही हूँ, अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग के ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि ना मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं, तो वीडियोस तो चलो लेट सही लेकिन आ रहे हैं, ऐसे 3-4 दिन 6 दिन के गैप में एक एक वीडियो आ जा रही है, लेकिन कमेंट्स का रिप्लाई ऑफकोर्स मैं नहीं कर पा रही हूँ, रीज़न यही है कि फर्स्ट बर्थडे, उसका प्रेपरेशन मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से हो, जाना करना, मतलब बहुत सारा बिजीनेस तो है, फिजिकल बिजीनेस है, बट मेंटली भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि कैसे क्या करना है पार्टी में, पार्टी को कैसे इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ गेम्स वगैरह सब प्लान कर रहे हैं, तो बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, और फर्स्ट टाइम वैसे पार्टीज तो करते रहते हैं, बट जब तक इतने सारे लोगों को बुलाना, सब चीज़ें मैनेज करना, जब तक हो ना जाए ना तब तक थोड़ी सी मेरे को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी रहती है, एक्साइटमेंट भी रहता है, और मुझे लगता है टाइम से पहले सारी चीज़ें हो जाए, चाहे भले ही उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, तो मैं ना टाइम से पहले काम करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा काम जल्दी जल्दी पहले कर लेती हूँ, ऐसे आराम आराम से नहीं करती हूँ, तो वही सब मेरा चल रहा है, इसी वजह से मेरी बिजीनेस है, तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें सेटल आउट हो जाएंगी तो मैं आप सबके कॉमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, बीच बीच में हो पाता है कभी कभी तो मैं करती हूँ, और उसमें क्या होता है ना कुछ लोगों के रिप्लाई मिल जाते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, तो फिर वो लोग नाराज़ होते हैं कि हमको तो रिप्लाई करते नहीं, हम पूछ पूछ के थक गए, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं थोड़ा सा भी बिजी हूँ, फ्री होके आपको पक्का से रिप्लाई करूँगी ही, मुझे भी अच्छा ही लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई करना, मुझे बहुत मतलब मेरा फेवरेट काम है वो, लेकिन अभी थोड़ा सा है ये चीज़ आप समझ सकते हो, अब आपको मैंने बता दिया तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई गई होगी, कभी आपको पता नहीं होगा कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑफकोर्स तभी आपकी ये कंप्लेन रहेगी, कोई बात नहीं, तो ये वीडियो मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप कि मेरी जो भी प्रेपरेशंस बर्थडे की अपडेट्स जो भी हैं
वो सब मैंने आपको दे दी, तो अब आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे अपनी ओपिनियन ज़रूर, अपने सजेशंस ज़रूर शेयर किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो मैं लेकर के आती रहूँगी। तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।